एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं यांगयांग मेरा गुरुजी के पास। तो बहुत टाइम से मैं वहाँ पे नहीं गई थी, उस समय भी मैं खुद ही बहुत बीमार थी। तो आज हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं मेरे गुरुजी के पास। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा गुरुजी कैसे है और कैसे, मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही अच्छा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मैं घर पे हूँ और मैं निकलने वाली हूँ और घर भी ऐसा बन रहा है हम लोग का, अभी तो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे साथ है मेरा बेटी का, मेरा सिस्टर का बेटी। बाय। तो अभी हम यहाँ पे दुकान पे हैं, बड़ा बाबा के लिए कुछ खाने की चीज़ लेके जाएंगे वहाँ पे। ऐसे खाली हाथ तो हम लोग नहीं जा सकते। सुगर फ्री कुन चाहिँ छ? त्यो हो, अन्त अरू अभी हम लोग बीच रास्ते में हैं। वैसे तो राबोंगला से यांगयांग 45 मिनट्स में पहुंच सकते थे, बट वहाँ पे बीच में एक पाथिंग रास्ता आता था। तो वो पाथिंग में एक बार 2-3 मंथ्स पहले लैंडस्लाइड हो गया था, तो इसीलिए हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। तो घूम के जाने से हम लोग को 2 आवर्स लगता है। तो इसीलिए अभी हम लोग एकदम शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट जा रहे हैं। तो ये यांगयांग का गेट है, यहाँ हम लोग पहुँच भी गया है ऑलरेडी। और यहाँ से थोड़ा बीच में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही रास्ता ख़राब है। उसके बाद से बहुत ही, मतलब अच्छा है रास्ता, बहुत ही स्मूथ है। तो आप लोग अच्छे से पहुँच भी सकते हो, आप जा सकते हो। और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बहुत बन रहा है, वैसे तो बन चुका है और वो लोग शिफ्ट करने वाले हैं। एंड राबोंगला से वेदर यहाँ का अच्छा है। राबोंगला में तो बहुत ही ठंड है, बट यांगयांग में थोड़ा सा गर्मी है। जैसे आप लोग का गैंगटोक का, गैंगटोक सिक्किम नहीं, गैंगटोक का जैसा ही वेदर है। और रास्ता भी बहुत ही अच्छा है बीच में, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा ख़राब है, बट बीच में बहुत ही अच्छा है। और मेरा गुरुजी जहाँ रहते हैं वो मार्केट से, यांगयांग मार्केट से थोड़ा ऊपर बस्ती विलेज एरिया में रहते हैं। और वहाँ तो, मतलब मैं रह चुकी हूँ 15 डेज तक वहाँ पे पहले, वहाँ पे तो बहुत ही शांति, बहुत ही पीस, बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। और ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हो, ये वाला घर वगैरह प्लेन साइड जैसा ही, ये वाला रास्ता बहुत ही अच्छा है। और यहाँ का लोग भी बहुत एंटरटेनिंग है, जैसे ये लोग इवेंट्स वगैरह कराते रहते हैं। भले छोटा सा गांव है, बट ये लोग बहुत इवेंट्स वगैरह कराते हैं यहाँ पे इस गांव में। तो आशा है आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। और प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करना। आप लोगों को पता है अभी मैं राबोंगला में हूँ, तो इसीलिए मैं स्किन केयर का वीडियोस या तो हेयर का या तो मेकअप का बैक टू बैक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि
वीडियोस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क अच्छा होना पड़ता है, और मेरा स्टफ्स वगैरह भी सिलीगुड़ी में है, लेके नहीं आ सकती थी इसीलिए। तो जो भी ट्रैवलिंग ब्लॉग है वो बना रही हूँ, आशा है आप लोग को अच्छा लगेगा। और हम लोग पहुँच गए हैं यांगयांग बाज़ार, तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा नहीं, यहाँ से हम लोग को गुरुजी के पास में पहुँचते पहुँचते हाफ एन आवर जैसा लगा, और गाड़ी से तो हाफ एन आवर लग जाएगा, बट कभी कभी तो मेरा गुरुजी चल के भी जाते हैं मार्केट, तो गुरुजी को भी हाफ एन नहीं वन आवर जैसा लगता है। तो ये है, आप लोग देख सकते हो और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा शायद, प्लीज़ सपोर्ट करना फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मेरा गुरुजी के घर में, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर वाला है, ये वाला है घर। तभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कहाँ पड़ पो बाटो ये बड़ा थियो ऊ यहाँ बड़ा ये आज बहन सबै कुरो यत्रो यत्रो रुङ रुङको सबै पत्ता त्यो भयो मलाई त्यो सबै, अनि त्यही कुराहरू भन्छु म चेलालाई त्यो सबै, अनि त्यसो गर्नु राम्रोसँगले। अन्त भुलहरू हुन्छ कोही बेला, अब कोही कर्म गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा अब मानखण्ड अब तपाईँलाई त क्षति भत्ता गरेछ त्यो बिमार हुँदाखेरि, त्यो सबै राहु त आँखी दाई बोक्सी दाइनी भुस पिस छोरा ले आक्रमण गरेको दुःख दिएको हजुर हो त्यही मन्त्रहरू मैले अब कतिवटा दिएको छु मैले। तो फ्रेन्ड्स मेरा भिडियो आज का यहीं तक था, तो हम लोग रिटर्न हो रहे बैक टू राबुंगला। तो गुरुजी के साथ भी ज़्यादा तो मतलब शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगा कि उसको पसंद, गुरुजी को पसंद नहीं आएगा इसीलिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।